Hi, welcome back. So it's start of day 3, and yesterday we have explored some of the places in Udaipur. It's approximately 4 to 5 places. काफ़ी बिल्डिंग इट्स वेकेशन क्रिसमस वेकेशन काफ़ी क्राउडेड प्लेस था सो स्टिल वी मैनेज टू एक्सप्लोर 4 to 5 प्लेसेस एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स चित्तौड़गढ़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर फ्रॉम हियर सो लेट्स गो बोल चालू है काय बोलू काय बोल अभी हैड आवर ब्रेकफास्ट अभी बजे है 1:30 खाने के टाइम हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कल भी यही सीन था आज भी सेम सीन है यहाँ पे उदयपुर से वी आर ट्रैवलिंग टू चित्तौड़गढ़ और हाईवे पे कहीं भी एक भी रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है लकीली वी गॉट वन और ये विजय सब उस टाइम नहीं था जब रानियों ने यहाँ जोर किया था जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जोर तभी नहीं था ये हाँ उधर उस टाइम पे टावर नहीं था जो ये 122 फीट ऊंचा 157 तो जोर करने के बाद ये बंद हुआ क्या ये बाद में बनाया ना राणा कुंभा ने खिलजी अच्छा, के बाद हाँ। में खिलजी इस किले को जीत जाता 1303 से लेके ये सारे मंदिर टूटे हुए ऊपर से इनके ऊपर सोने चांदी के कलश हुआ करते थे जो 113 मंदिर आते और 84 कुंड आते जो रानी ने यहाँ जोर किया था उस टाइम पे टावर नहीं था और ये पूर्वी जोर गेट है और वो उत्तरी जोर गेट है अच्छा। तो इस किले में आने जाने के लिए 3 रास्ते एक तो अपन आए इससे एक उधर आगे से और एक पीछे से 3 रास्ते हैं तो कुंभा और खिलजी की लड़ाई हुई थी या खिलजी से क्या खिलजी तो राजा रतन सिंह जी की लड़ाई हुई थी ना खिलजी से कुंभा की थोड़ी हुई थी क्या कुंभा तो गुजरात और मालवा पे जीत के आए थे वहाँ के दोनों बादशाहों को बंदी बनाया था महमूद खिलजी और कपउद्दीन को बंदी बनाने के बाद में इस टावर की स्थापना की थी जो विजय स्तंभ है जो 122 फीट ऊंचा 157 सीढ़े 9 ग्रहों का प्रतीक 9 मंजिला जो शंकर भगवान के डमरू के आकार का इधर से यहाँ बनाने वाले थे जगह नहीं होने के कारण राणा कुंभा ने वहाँ बनाया और वो उत्तरी जोर गेट है उधर से दुल्हन का श्रृंगार करके आती औरतें और यह 40 फीट खड्डा हुआ करता था जो चंदन की लकड़ी और नारियल के छिलकों से आग जलाई जाती थी और फिर औरतें वहाँ ऊपर से आग में से कूदती थी जो रानी पद्मनी ने 1303 में 16,000 औरतों के साथ यही जोर किया था इसके नीचे यहाँ इस खड्डे में वर्ड इस खड्डे को बताता हूँ जो सेकंड जोर किया था महाराणा प्रताप की दादी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ जो हुमायूं को राखी भेजी थी हेल्प के लिए बुलाया था जो हुमायूं आने में लेट हो जाता और सेकंड बार इस किले में कब्जा बहादुर शाह का हो जाता और तीसरा जोर किया था अकबर की टाइम पे जगमल की वाइफ ने बाद में बंगाल के राजा राम मोहन राय ने सती पता और जोर पता बंद करा दी थी तो इसलिए इस खड्डे को पैक करा दिया और वहाँ पर वो छोटा कुंड बना दिया तो यहाँ के राजा जिंदा है ना उदयपुर में रहते हैं अरविंद सिंह जी महेंद्र सिंह जी जो आते हैं साल में एक बार चैत्र एकादशी को जो उनके पूर्वज जो मरे हुए ना उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ हवन करते हैं
निर्माण किया था आज से 1500 साल पहले चित्रांगन मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसमें सबसे पहले गुजरात के बप्पल रावल आए थे जो रावल खानदान खिलजी ने खत्म कर दिया था 1300 में। तो ये किला खिजीराबाद के नाम से था। फिर कुंभलगढ़ के महाराज कुंभा इस गद्दी पर बैठे थे 1440 में। तो वो गुजरात और मालवा की जीत के बाद वो सात गेट बनाए जो अपन चढ़ के आए और विजय स्तंभ बनाया था। ऐसे कैसे सात गेट पीछे भी आते हैं और कीर्ति स्तंभ भी पीछे आते। हमने जो पहाड़ दिख रहा लेटा हुआ ऊपर सर बीच में पेट नीचे पांव उसको कहते हैं कुंभकर्ण पहाड़ी। उसके ऊपर से अकबर ने तोप के गोले चलाए थे। ये किले की वॉल उड़ाया हुआ है इतना लंबा। जब तोप के गोले चलाएंगे ना तो ऊपर हाइट भी नहीं आएंगे। और बाकी सबसे बड़ी तोप देखना हो तो बाद में मैसूर में टीपू सुल्तान के पास है जो टीपू सुल्तान लाया था। क्योंकि सबसे पहले तोप बाबर लाया था तो बाबर का लड़का था हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का सलीम, सलीम का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, जो औरंगजेब लास्ट का राजा मुगल शासक था जो दिल्ली इधर पड़ता। दिल्ली से बाद जब भी गुजरात जाता था तो घोड़े पे जाते थे तो उनकी पीठ में, कमर में, घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता था। तो उनके लिए क्या यहाँ पे सीताफल के सारे जड़ी बूटे के पौधे उगा रखे गवर्नमेंट ने। जो नीचे गांव बसा हुआ आदिवासी गांव राणा पूंजा का, जो सबसे पहले यहाँ अलाउद्दीन खिलजी यहाँ 1.5 लाख सैनिक लेके आया था। जो 6 महीने तक युद्ध चला था जिसमें 3000 सैनिक मारे थे, कभी 25 मरते कभी 50 मरते, ऐसे 6 महीने में 3000 सैनिक मार दिए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सामने दूसरा कुंभकर्ण पहाड़ी का ना, इनको अंकुश बोलते हैं। जो हाथी पे जो चलाने के लिए चालक होता है ना, उसके लिए तीर चला था खड्डों में से, ताकि हाथी पे जो बेटा रहता मावत उसके लिए इनमें से तीर चलाया करते थे। और हाथी को मदिरा पिला कर दरवाजे तुड़वाए जाते थे। तो आगे एक किले लग रहा था कि हाथी अपने सर से दरवाजे को ना तोड़ सके। और ये सात गेट इधर भी है जिसमें से 2 गेट ही बचे थे। ये पूरे का मैदान था नीचे, इधर आइए। ये है रतन सिंह महल। प्लान किया था दमन का, पहुंच गए दानू। सरप्राइज फ्रॉम एडमिन। इटिनरी में सब डाला नहीं है। हवा, लंच प्लेस, चिक्कू के खेत में, चिक्कूवाड़ी, टिक्कू जीनी वाड़ी जो अपना बरौली वाला। लेकर जाएगा एंड नाउ इज और इज आउट।